हाँ बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन पहली मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की तो वहाँ कल शाम में होगा तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं दिल्ली जो भी बात होगी उस पर लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको दोषी ठहराया गया है। इस बारे में आपको बताते चले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने किसको दोषी ठहराया है, क्या कुछ कहा है, बहुत बड़ी बात बोली है और इस केस के बारे में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है, उन्होंने मीडिया को क्या कुछ बताया है, आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन पहली मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की तो वहाँ कल शाम में होगा तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं दिल्ली जो भी बात होगी उस पर हम लोग अपनी बात को अपने राय को समक्ष रखेंगे। जॉब मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है लालू यादव पर जो फिर से कार्रवाई करने के लिए, क्या हुआ? उसे तो पहले भी हुआ ही था, एक बार किया, दो बार किया, चार्जशीट किया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया, तो उसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है आप ही बताइए ना। चार्जशीट और फिर से अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया है तो उसमें कोई अंतर तो है नहीं, और ऐसा तो पहली बार हुआ है कि जिसका नाम चार्जशीट में है उसका भी नाम जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है। ये तो बेकार की बात है, सब कोर्ट पे हम लोग अपने पक्ष रखेंगे ना। भाजपा बड़ी रणनीति बना रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।